मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी की खुटबाजी अब चार दीवारी से सड़क पर आ गई है। आपसी लड़ाई कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच उलझ कर रह गई है। वहीं उमंग सिंगार को जब लगा कि वो रेस में पीछे नजर आ रहे हैं तो उन्होंने दिग्विजय सिंह पर आग उगलना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से शराब का धंधा करवा रहे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बिठा के गुजरात तक शराब जा रही है, तो क्या इनके पीछे ये संलिप्त नहीं है? जांच हो, अभी सीबीआई पता चल जाए कि इनकी भी पार्टनरशिप है। रेत के अवैध उत्खनन में जो हम सरकार में आए, आम जनता के लिए रेत सस्ती होना चाहिए। किसी नेता के लिए, किसी बड़े ठेकेदारों के लिए रेत महंगी नहीं होना चाहिए कि वो लोग पैसा कमाए और प्रदेश से जाए। आम जनता और पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए रेत के। आप ब्लैकमेल बोला आपने? बिल्कुल। वहीं कमलनाथ सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह का बचाव करते नजर आए। नर्मदा परिक्रमा की है 3500 किलोमीटर दिग्विजय सिंह जी ने, और रेत को बचाने के लिए एक नर्मदा जी का एक पूरा का पूरा ट्रस्ट बना दिया, जिसके अध्यक्ष भी बन गए हैं, जिनके अध्यक्ष बाबा कंप्यूटर है और वो हमेशा इसकी बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रेत खनन या किसी तरह का और माफिया, इन सब को सजा दिलाने का अगर किसी ने काम मध्य प्रदेश किया है तो उसमें दिग्विजय सिंह जी अग्रणी रहे हैं। हालांकि सूबे के मुखिया कमलनाथ की क्लास के बाद वन मंत्री कुछ नरम पड़ते दिखाई पड़े। पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कभी दौड़ में था ही नहीं और ना मेरी इच्छा है। पीसी शर्मा जो मंत्री, कानून मंत्री आपके सहयोगी हैं, उनका साथ पर हमारे जो है यहाँ से शुरू हुआ कि आप प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदारी और पीछे हुए हमारे वरिष्ठ मंत्री है और सभी हमारे भाई है, अब क्या बोलूं। वहीं खुद को प्रदेश अध्यक्ष पद का दावेदार बता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंगार के बयान का समर्थन करते हुए कमलनाथ को ही सलाह दे डाली। और आज अगर ऐसे मतभेद उठ रहे हैं, ये दायित्व तो होता है मुख्यमंत्री दोनों पक्षों को बैठ सलाह मशवरा करें। एक तरफ जहां दिग्विजय समर्थकों ने उमंग सिंगार के घर के बाहर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया, तो वहीं सरकार की भद पिटने के बाद कांग्रेस की मीडिया प्रभारी सामने आई और कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने की बात कही। समझती हूँ कि कल तमाम चीजों को विराम लग चुका है, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हो चुकी है, तो इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। कार्यकर्ता अति उत्साह में कुछ कर रहे होंगे, बाकी कहीं भी नहीं है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपसी लड़ाई जब सड़क पर आ जाए तो उस पर सियासत की रोटियां सेकनी शुरू हो जाती हैं। और हुआ भी ऐसा ही। इस बार बीजेपी का कहना था कि उमंग सिंगार एक आदिवासी नेता है, इसलिए सच की आवाज दबाई जा रही है। उमंग सिंगार मंत्री तो है ही, पर उसके साथ ही वो आदिवासी वर्ग से आते हैं और दिग्विजय सिंह जी को ये पूरी तरह से नागवारा गुजरा है कि एक आदिवासी व्यक्ति उन जैसे सामंतवादी के खिलाफ आवाज कैसे उठा रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पेंच ऐसा फंसा है कि 8 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार और संगठन की तमाम गुटबाजियां और आपसी झगड़े अब जग जाहिर होने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है, कहीं ऐसा न हो कि आपसी लड़ाई विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो जाए। कांग्रेस का समर्थक बताते हो, यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर जो वन मंत्री हैं उनका यहाँ पर पुतला दहन करके विरोध जता रहे हैं और साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि मध्य प्रदेश में जो सियासत है बयानबाजी को लेकर वो यहाँ पर किस तरह से तेज हो चुकी है। चाहे वो दिग्विजय सिंह का हो, जिस तरह से बयान दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें बताती हैं कि अब मध्य प्रदेश में वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैमरा पर्सन विनायक नायडू के साथ।